हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू इंजीनियर श्रेया। वैसे आज का जो रेसिपी है वो थोड़ा सा यूनिक है। आज का रेसिपी है बैगन भाजा, बैगन पकौड़ा भी बोल सकते हो आप इसको। और आपको पता है ये रेसिपी में एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या स्टोरी है। इट्स रेसिपी बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल मैंने बेसन लिया है, बेसन में हल्का सा नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद नमक भी आप एज यूजुअल अपने अकॉर्डिंग। फिर उसमें ऐड किया है हल्का सा हल्दी। हल्दी थोड़ा सा कलर आ जाता है ना, इस वजह से अच्छा लगता है। हल्दी में कलर इसकी वजह से थोड़ा येलो आता है फील, तो दैट्स वाई हम हल्दी ऐड करते हैं। हल्दी ऐड करने के बाद मेरी मम्मी ने इसमें ऐड किया है हल्का सा अजवाइन। अजवाइन जो है थोड़ा सा डाइजेशन को अच्छा कर देता है। उसके बाद हमने ऐड किया इसमें मसाले, नॉर्मल मसाले आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने गार्लिक, फिर उसके बाद चिली। चिली को हमने क्या किया, थोड़ा सा थुचक लिया, थुचक इन द सेंस उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, बीट कर लिया है काइंड ऑफ। उसके बाद उसको हमने अच्छे से पानी में मिला लिया। पानी में मिलाने के बाद अब हम इसको थोड़ा देर 5 मिनट या 2-3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा बैगन है वो अच्छे से, मतलब उसमें अच्छे से जो बेसन का घोल है वो हो जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें, गैस ऑन करने के बाद हम ऐड करेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल, दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग कस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हमने ऐड किया। उसके बाद हमने ऐड किया बैगन। बैगन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई इन द सेंस कि जब हम डालेंगे उस टाइम पे तेज आँच रहेगी, बट उसके बाद हम आँच कम कर देंगे क्योंकि हमें जलाना नहीं है, क्योंकि जो अंदर का बैगन है वो हमें पकाना है। तो बैगन को पकाने के लिए आपको कम आँच पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको बैगन को अच्छे से पलटा लेंगे। पलटाने के बाद मेक श्योर आप दोनों साइड से अच्छे से कुक करो। आपको बहुत ज़्यादा भी लाल नहीं करना, नॉर्मल लाल करना है। इसके बाद आप इतना देख लो, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। उसके बाद हमारा बैगन भाजा का, ये मम्मी सेकंड पार्ट दे रही थी क्योंकि सेकंड बार में मम्मी दे रही थी, तो फर्स्ट हाफ का बैगन हमने निकाल लिया था। उसके बाद हम सेकंड हाफ का फ्राई कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ का निकलने के बाद सेकंड में हमने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, क्योंकि दो तीन से ज़्यादा तेल है तो हमने ज़्यादा दे दिया। उसके बाद हमारा बैगन भाजा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये अब इसको सेकंड पार्ट निकलने के बाद आपको मैं फर्स्ट पार्ट के थोड़े से फोटोज़ दिखा देती हूँ। फोटोज़ दिखाने के बाद मैंने आपको बोला था लास्ट में कि मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी। स्टोरी ये है कि मेरी मम्मा स्कूल से आई, क्योंकि मेरी मम्मा टीचर है, तो उनको जस्ट पता चला कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हिट हुए, एंड शी इज़ लाइक कि कुकिंग के वीडियोज़ ही बनाओ तुम, मैं अभी पकौड़े बना रही हूँ वो शूट कर लो, डेली वीडियोज़ डालो। एंड आई एम लाइक कि मम्मी मेरे को कुकिंग वीडियोज़ नहीं डालना, मेरे को दूसरा वीडियो डालने का मन करता है अपार्ट फ्रॉम कुकिंग। एंड शी इज़ लाइक कि नहीं, तुम कुकिंग वीडियो ही डालो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। बट कोई बात नहीं, एडजस्ट तो हर जगह करना पड़ता है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।